목좀 가져라. 미스터 백, 뭐라봐 토리 시그러스 잘래. ये बस एक छोटी सी गलत फहमी है मोटा भाई। मेरी बेटी की शादी के दिन तो बिना बताया धमका। मोटा भाई हम तो जबरदस्ती यहाँ लाए गए हैं, तो बात यह है कि मुझे नहीं पता था कि वो आपकी कार है और मुझे आपकी बेटी की शादी का कार्ड तो मिला ही नहीं। मैंने तेरे पे भरोसा किया, तय दिल तेरे को घर पे बुलाया, साथ में बैठ के खाना खाया, बा ने तेरे लिए खमन ढोकड़ा भी बनाया और मेरी मेहमान गति का ये सिला दिया, एक साल चिटकाया स्कंक के बम के फर से बना हुआ बम चिक बम साल। तूने मेरा दिल दुखाया, मेरी बा का दिल दुखाया, जिसे मैंने उस बम चिक बम साल में लपेट के विदा किया। बोला था कभी अपनी शकल दिखाने मत आना, लेकिन तू फिर आ गया नई खुराफात करने। पहले तू तो कौन सो, इधर क्या फैंसी ड्रेस में भाग लेने को आई है? सर मैं माइम है, ये माइम आर्टिस्ट है और माइम कभी बात नहीं करते, तुम्हें पता है ना माइम नहीं, बात? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और एमिट ऑडिटन का केस संभाल रही हूँ और मुझे सबूत मिला है कि वो तुम्हारी कार में था, तो जितना चाहे डरा लो, मैं पता लगा के रहूंगी कि तुमने उस ऑटो के साथ क्या किया, उसके लिए जान दांव पे लगा दूंगी। फिर तो मैं एक ही दरखास्त करूंगा, अम्मा को मेरा प्रणाम कहना। खड्डे में डाल मोटा भाई, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं किसी को कुछ नहीं बताया मोटा भाई, मुझे बता भी नहीं पाए, मुझे छोड़ दो मुझे। आपको नई शॉल डिस्काउंट पे दूंगा, नहीं आप फ्री में ले लेना। पापा चलो ना गरबा खेलते हैं। हमने डिसाइड किया था ना कि मेरी शादी में किसी को गड्ढे में नहीं डाले। डालना पड़ेगा बेटा, पापा मजबूर। रुको ये तो वो ही खरगोश है जिसने मेरी जान बचाई थी, वरना मैं दोबारा मेरे को पीछा देता। इस खरगोश ने? हाँ, हेलो। हाय, तुम्हारी ड्रेस बहुत क्यूट है। थैंक यू। जवाब दिया ने, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, मैं ऑटर को ढूंढने में मदद करूंगा, तूने जो एहसान किया है उसका बदला चुकाऊंगा। शुक्रिया। ऑटरसन मेरा फूलवाड़ा है, उसे मेरा परिवार का हिस्सा, वो मेरे से कोई जरूरी बात करना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे लाने के लिए अपनी गाड़ी भेजी थी, पर वो पहुंचा क्यों नहीं? क्योंकि उस पे हमला हुआ था। उस पे नहीं, हमला उसने किया। ऑडिटन ने? बिल्कुल सही सुना, वो बेकाबू हो गया, कार में हाथापाई की, ड्राइवर को मारने की भी कोशिश की और रात के अंधेरे में गायब हो गया। पर वो तो बहुत ही शरीफ ऑटो है। देख बेटा, आज हम भले ही सुधर गए लेकिन अंदर कहीं ना कहीं जानवर छुपा हुआ है। अगर ऑटोटन को ढूंढना तो ड्राइवर से बात कर लो, उसका नाम है मानचस, वो रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में रहता है, कोई तुम्हें उस तक पहुंचा सकता है।